हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी 5:17 हो रहा है और मैं सो के उठा था 4:45 को। सो अभी फ्रेश फ्रेश हो गया, ब्रश व्रश करके। सो फिलहाल अभी तो दौड़ने के लिए जाऊंगा मैं। लेकिन मैं सो के उठा तो आज हल्की हल्की बारिश हो रही थी, और अभी तो सीन यह है कि अभी बारिश नहीं हो रही है, लेकिन नाइट में जब मैं एक बार और उठा था, मतलब ऐसे पानी पीने के लिए, सो उस टाइम भी बारिश हो रही थी और 4:45 को भी बारिश हो रही थी जब सुबह उठा था। सो अभी बारिश थम गई है। सोच रहे थे कि अगर बारिश होती रही तो फिर कैसे जाऊंगा घर के। सो अभी फिलहाल बारिश तो थम गई है। सो अभी अब निकल रहा हूँ मैं दौड़ने, रनिंग के लिए। तो रनिंग करने के बाद आज मिलते हैं। और आज आज मम्मी आने वाली है, सो पापा और देर से जाएंगे मम्मी लाने के लिए। सो टुडे इज दिनचर्या स्टार्ट। तो वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। सो अभी गाइस 6:30 हो रहा है और आज रनिंग नहीं किए, पैदल चल लिए बस। शुभम नहीं आया और थोड़ा सा सुबह से बारिश हो रही थी, तो आज चलते चलते आ गए हैं तुलसी के पास में, मतलब तुलसी के जस्ट बॉर्डर पे ही हैं। और इधर हमें नाला पीछे मिला कुछ। नाला मिला, नाले मस्त पानी भरा है, इधर से आ रहा है पानी और इस साइड बहते हैं। सो इधर रखी सो अभी मस्त रखी है बैठे, मोबाइल फोटो वोटो क्लिक किए। भेजी। और आज आज है गणेश चतुर्थी। सो विक्की भैया लोग अपने मोहल्ले में मिलकर मतलब गणेश स्थापना करते हैं। सो मज़ा आएगा व्लॉग में आगे, सो बने रहिएगा। और अभी फ़िलहाल हम लोग तो बैठे हैं और पानी देख सकते हो, लिटरली बहुत ही औसम और साफ़ है। अभी पहुंच चुके हैं मोहल्ले की तरफ और मोहल्ले में आज गणेश चतुर्थी है, तो उसको बनाने के लिए पंडाल वगैरह का तैयारी चल रहा है। आपको शो करता हूँ मैं। सुबह गाइस ये देख सकते हैं, इस प्रकार से तैयारी चल रहा है। हरीश, चंदन, निकी, टुगेन, सब के सब लगे हुए हैं, तैयारी चल रहा है यहाँ का। ठीक है, ऐसे पंडाल, छोटा सा पंडाल है एक गली में, और साइड चौक में बड़ा चौक चौक बना हुआ है। सो यहाँ पास मोहल्ला बस है विक्की भैया लोगों का, इनका घर है, तो सभी तैयारी चल रहा है। इन लोगों का तो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो अब मैं चलता हूँ घर। घर चलते हैं, काफ़ी टाइम हो गया, देख सब देख रही होगी। तो घर जा रहा हूँ मैं और इन लोगों का हो जाएगा, फिर शाम को आएंगे यहाँ जब वो पूजा वगैरह होगी। तो फिलहाल अभी जा रहा हूँ मैं घर। गाइस मैं पहुंच गया हूँ घर, और घर आते ही देख सा कोई नाश्ता नहीं बनाई है, भूख लग रही है मेरे को, सुबह से भूख लग जाती है। और ये कुछ नाश्ता नहीं बनाई है, सीधे सब्जी बनाने के लिए लग गई, क्योंकि इनको जल्दी जाना है बोल रहे हैं। तो सीधा खाना खा के जल्दी निकलेंगे मम्मी को लाने के लिए मामा गाँव, और पापा है शॉप पर। सो फिलहाल अभी तो मैं नहाऊंगा, नहा आऊँगा और भूख लग रही है, उसके बाद खाना बन जाएगा, फिर खाना खा लेंगे। नाश्ता का तो प्लान है कैंसर। हाँ, चने भिगो के रखे हैं, तो फिलहाल चने खाऊंगा मैं, और अभी उसके बाद नहाएंगे। अभी ये देखिए नाश्ता आ गया है, पोहा। और मैं पेपर पढ़ रहा था, दिशा इसको रख कर चली गई, मतलब थोड़े गुस्से में है, लेकिन उसने नाश्ता बना दिया मेरे लिए। अभी तो नाश्ता कर रहा हूँ और पेपर पढ़ रहा था, दैनिक भास्कर आते हैं हम लोगों के यहाँ। सो आज गणेश, श्री गणेश विशेष है। सुबह गाइस नहा लिया हूँ मैं और ये लोग भी तैयार हो गए मेरे नहाते तक, खाना खा लिए पापा और देसा। सो ये लोग जा रहे हैं अभी मम्मी को लाने के लिए मामा गाँव, और मेरे को आज ड्यूटी दिन भर फिर दुकान पर रहेगा। जल्दी आ जाए तो ठीक है, क्योंकि जल्दी आएंगे तभी शाम को गणेश चतुर्थी है, गणेश स्थापना पूजा वगैरह उस साइड का, विक्की भैया घर लोग साइड जा पाएंगे। और फिलहाल तो अभी शॉप पर ही बैठना पड़ेगा मेरे को, नाश्ता किया था उसके बाद नहा भी लिए और खाना खाऊंगा थोड़ी देर में। सो अभी टाइम तो अभी 10:20 हो रहा है। सो निकल रहे हैं अभी पापा और देसा, जल्दी आना ठीक है, फिर उसके बाद शाम को मैं जाऊंगा गणेश पूजा के लिए वीडियो बनाने के लिए, मतलब व्लॉग। तो जल्दी आना, मैं मास्क ला लेना मेरे लिए भी, ऐसा वाला मेरा मास्क है गाइस वो ख़राब हो चुका है,
और ट्रांसप्लांट वाला लाना है, इसी सांस और लेते बन मास्टर जाए मान वाला। रहा हूँ मैं। देखिए पापा जी का चश्मा तो देखिए मतलब एकदम पुराने जमाने वाला चश्मा पहन लिए हैं। फाइनली निकल रहे हैं बाय। मम्मी पापा लोग तो चले गए, और चार्जर, एक वेब सीरीज डाउनलोड किया हूँ। अब बैठे बैठे टाइम पास तो नहीं होगा, सो वेब सीरीज देखेंगे, हॉस्टल डेज वाला बड़ा अच्छा वेब सीरीज है। और अब दिन भर ऐसे शॉप में बैठना पड़ेगा यार, कस्टमर आते रहते हैं तो अच्छा लगता है, नहीं तो दोपहर में बहुत कम आते हैं। दोपहर में जनरली बहुत लोग अपना शॉप क्लोज कर देते हैं इधर, मतलब दोपहर में 1-2 घंटा का लंच ले लेते हैं। लेकिन हमने जब से अपना शॉप ओपन किया है तब से लंच में मतलब दोपहर में भी बंद नहीं करते हैं, सो उसी टाइम काफ़ी कम कस्टमर आते हैं, पर बैठे रहते हैं। और आज दिन भर मेरे को शुरू शुरू में अच्छा लगता है यार, लेकिन ना दुकान पे बैठे बैठे ना बोर काफ़ी लगता है, सो फोन ही है सहारा फिलहाल। तो बैठे बैठे एक वेब सीरीज देखूंगा, उसके बाद वीडियो को अपलोड करूंगा। अभी गाइस 12 बज रहे हैं और वेब सीरीज़ देख रहा था मैं हॉस्टल डेज, जैसे कि सो वेब सीरीज़ ना काफ़ी औसम है। मतलब हॉस्टल लाइफ यार क्या ही मस्त होती है, उसमें तो और अलग लेवल का दिखाया है हॉस्टल के लिए। और हमने तो साला कॉलेज ही इंजॉय नहीं किया तो हॉस्टल कहाँ से करेंगे, लेकिन जब स्टार्टिंग में गए थे तो काफ़ी मज़ा आया था। और हमारा कॉलेज तो वैसे भी आप तो जानते हो कि इंजीनियरिंग कैसा रहता है, वो बड़ी अच्छी वेब सीरीज़ है यार। एकदम मतलब फील करो ना तो अच्छा लगता है कि हम लोग भी ऐसा टाइम स्पेंड करते करके। गाइस 1:30 टाइम हो रहा है और ना काफ़ी भूख लग रही है मेरे को बहुत, और कोई नहीं है सो अंदर तो खा नहीं सकता, दुकान पे ही रहना पड़ेगा। सो सोच रहा हूँ कि यहीं पास बैठ के खाना खा लूँगा करके, सो अकेला हूँ ना तो छोड़ के भी तो आ नहीं सकता, और क्लोज तो करते नहीं है दुकान को दोपहर में। और अभी खाना निकालूंगा मैं, देखते हैं क्या क्या सब्जी वगैरह बना के गई है दीसा। अभी गाइस खाना निकल चुका है और आज है मुनगा की सब्जी, दीसा बना के गई है, सो काफ़ी टेस्टी लग रहा है। मुनगा वैसे भी वन ऑफ द माई फेवरेट है, मतलब बहुत अच्छे लगते हैं मेरे को। सो अभी खाने स्टार्ट करता हूँ मैं, भूख लग रही है यार बड़ी जम की। अभी गाइस शाम के 5 बज रहे हैं और बड़ी माँ आई थी, और ये कल का रोटी वगैरह बना है, सलोनी क्या है पूड़ी, और इसको क्या बोलते हैं, नहीं हाँ खुरमी, और ठेठरी, तो ठेठरी खुरमी छोड़ के गई बड़ी मम्मी। और अभी तो बहन आई है मेरी प्रीति, सो चूड़ी वगैरह देख रही है, और दीदी भी आई है तो वो अभी चली गई, तो चूड़ी वगैरह सिलेक्ट कर रही है ये लोग अपने लिए, और मैं तो बैठा हूँ, अब इडली वगैरह इंजॉय करते हैं अपन। और मैंने मम्मी लोगों को कॉल किया था, सो मम्मी लोग निकल चुके हैं, थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे, आधे घंटे में। गाइस 5:30 बजे हैं और मम्मी लोग आ गए, मम्मी आ गई टीचर से, सो दुकान पे दीदी लोग थे। कुछ क्या लाए समोसा? तो नहीं अब तो मैं जाऊंगा उस तरफ मोहल्ले की तरफ, जो अभी गणेश पूजा स्टार्ट हो गया होगा आई थिंक सो, 6 बजने वाले हैं तो उधर ही जाएंगे अभी। गाइस जा रहा हूँ मैं बस्ती की तरफ, सो सबसे पहले तो हमारे गांव का माया चौक है वहीं पास आएगा, सो इधर से होके जाएंगे, सामने है पंडाल। और आज साला व्लॉग नहीं डाल पाया मैं क्योंकि एडिट नहीं कर पाया था उसको, आज ऐसे ही टाइम पास हो गया फ़ोन चलाते चलाते। सो अभी सामने है माया चौक हमारे गांव का, सो वहां का पंडाल आपको दिखाते हैं। सो ये है माया हमारे गाँव का, और ये यहाँ पास का पंडाल है, सो फिलहाल इधर तो विराजमान नहीं हुआ है। और इधर आगे है विक्की भैया लोग का घर, सुसी तरफ जा रहे हैं। तो अभी गाइस ये पहुंच गए कलार पारा, और भगवान तो अभी विराजमान नहीं हुए हैं लेकिन इनका पंडाल पूरा सज चुका है जो कल प्रोसेसिंग में था। गाइस ये देख सकते हैं पंडाल सज गया है, गणेश भगवान का भी पूजन नहीं हुआ है सो स्थापना नहीं हुई है, और ये स्पेशली COVID-19 को ध्यान रखते हुए यहाँ पर सूचना पटल जारी किया गया है। और इस तरफ अंदर है साउंड सिस्टम के लिए, तो तुगेन बैठा हुआ है, और इस देख सकते हैं ये पूरा, ये इसके नीचे से नाली गई है लेकिन अरेंजमेंट ना गांव घर के लड़के लोग भी कोई सिविल इंजीनियर से कम नहीं होते,
तो यहाँ पर रहेगा सेटअप, और नीचे में है होम थिएटर बॉक्स वगैरह। तो अभी तो पूजा नहीं हुए हैं, काफ़ी अच्छे टाइम पर आ गए, सो वे अच्छा है। कितने टाइम होगा पूजा रे, कैसे विकी पूजा करेंगे? 7 o'clock। सो अभी ये पंडाल बस सजा है और पूजा जैसा कि विक्की भैया ने कहा 7 बजे होगा, तो अभी वेट करते हैं। और साउंड बजना चालू हो गया, भगवान जी की मूर्ति आ गई है और पूजा नहीं हुआ है, तो फेस तो अभी इनका घूंघट नहीं खुला है, और आराम से से 7:20 टाइम हो रहा है और पूजा हो गया, गणेश भगवान का स्थापना भी हो गया, थोड़ा सा ब्राइटनेस आ रहा है इस कारण से पता नहीं चल रहा होगा, और बाकी पब्लिक है पूरी अपनी, सब के सब बैठे हुए हैं, तो इतने लोग थे। और अभी फिलहाल थोड़ी देर बैठेंगे, उसके बाद मैं जाऊंगा घर। रात के 9 बज रहे हैं और खाना निकल चुका है, खाना खा रहे हैं, तो टमाटर की चटनी है और ऑल इज वेल चल रहा है, काफ़ी मज़ा आ रहा है खाना खाते खाते, सो खाना खा रहा हूँ मैं। उसके बाद ओ सॉरी 3 डियर चल रहा है, ऑल इज वेल बोल दिया था, तो खाना खाते खाते इंजॉय कर रहे हैं, मूवी बड़ी औसम लग रही है, बड़े दिन बाद देख रहे हैं। तो अभी गाइस 10 बजने वाले हैं और मूवी देख रहे थे ऑल इज वेल, तो अभी भी मूवी ख़त्म नहीं हुई है, पर अब देख के जस्ट सो जाएंगे, मतलब लगभग ख़त्म हो गई है, तो काफ़ी मज़ा आया, मतलब 3 डेज है फिर ऑल इज वेल बोल दिया, तो काफ़ी अच्छी मूवी थी। और आज गणेश स्थापना भी हो गया, गणेश स्थापना मैं जब छोटा था ना तो सबको देखता था, सब अपने अपने घर में बैठाते थे, सो ऐसे मैंने भी 2 बार गणेश जी का स्थापना किया था अपने घर पे, 2 साल के लिए, मतलब 2 साल ऐसा बैठा है, और अभी तो नहीं करता मैं, सो फिलहाल अभी तो सोएंगे। सो इस ब्लॉग को करता हूँ यहीं पर एंड, मूवी को रहने दीजिए, बहुत मज़ा आ गया, एंडिंग बस बची तो फिलहाल नींद लग रही है, तो सोने जा रहा हूँ मैं, तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। होप यू गाइस एंजॉय माय ब्लॉग, मम्मी भी आ गई है आज, तो गुड नाइट, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग, बाय।